बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारे आज के सेशन का मकसद आप सब लोगों को इंफॉर्मेशन देना कि एडीपीपी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, क्यों अपॉइंट होते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपको पता है कि पंजाब के अंदर भी और बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट टोटली एस्टेब्लिश हो चुका है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या है? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है किसी भी आपके प्रोविंस के अंदर, उसको कहा जाता है प्रोसिक्यूटर जनरल। प्रोसिक्यूटर जनरल इन सिंपल वर्ड्स आपके प्रोविंस के हवाले से क्रिमिनल मामलात के लिए जो गवर्नमेंट का मोस्ट सीनियर लॉयर होता है, यानी कि आपने सुना होगा अगर आप कभी अदालत में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो भी केसेस होते हैं वो चलते हैं स्टेट वर्सेस एक्स वाई जेड। क्रिमिनल केस कैसे चलते हैं? स्टेट वर्सेस एक्स वाई जेड। तो क्रिमिनल केसेस में जो हमारी स्टेट या रियासत वो कंप्लेनेंट होती है, तो स्टेट की बिहाफ पर जो प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस है वो किसकी जिम्मेदारी है? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का। इसके लिए पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लीगल भी भर्ती किए जाते हैं जो पुलिस को इस हवाले से सपोर्ट करते हैं, और फिर बेसिकली पूरा एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो एडीपीपी से स्टार्ट होता है, 17 ग्रेड की लोएस्ट इसमें जो पोस्ट है वो एडीपीपी, एडीपीपी के साथ डीडीपीपी, डीडीपीपी के बाद एपीजी। अब एपीजी समटाइम्स एडिशनल और समटाइम्स असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल, डीपीजी, और फिर उसके बाद पीजी। एपीजी ज्यादातर एट्रीब्यूट किया जाता है एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, डीपीजी डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल। ये बेसिकली हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस होते हैं उन मामला को देखते हैं। जो डीडीपीपी होते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन में, और जो एडीपीपी होते हैं वो मजिस्ट्रेट के अदालत के अंदर जो स्टेट की प्रोसिक्यूशन है वो ये लोग कंडक्ट करते हैं। सिविल जज, और अगर एडीपीपी का कंपैरिजन किया जाए तो एक लिहाज से एडीपीपी जो है वो सिविल जज से बेहतर है। तो वो कौन सा ऐसा लिहाज है कि जिसमें एडीपीपी उससे बेहतर है? वो बेसिकली ये है कि जब आप सिविल जज बन जाए तो सिविल जज बनने के बाद आपकी जो प्रैक्टिस है वो स्टॉप हो जाती है और आपका जो लाइसेंस है वो वहीं पे सस्पेंड हो जाता है। सिविल जज के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? 2 साल का। तो अब अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट था, 2 साल का एक्सपीरियंस उसका पूरा हुआ और 2 साल के बाद अगर उसने सिविल जज का इम्तिहान दिया और वो पास हो गया तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस उसकी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद वो किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सिर्फ एक ही उसके पास पोस्ट होगी और वो ये होगी कि ऑलमोस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स वो प्रमोट होकर सीनियर सिविल जज बने, और फिर उसके बाद 7-8 साल के बाद वो एडिशनल, और फिर अगले 5-7 साल के बाद अगर वैकेंसी होगी तो वो फुल सेशन, और उसके बाद किस्मत के साथ अगर कोई बहुत आउट क्लास तरीके से चले तो रजिस्ट्रार तक, या चंद एक लोग ऐसे भी हैं जो शायद हाई कोर्ट के जज भी इसमें बने हैं। एक रोजी बड़े साहब की मिसाल थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, लेकिन कम लोग बने। तो बेसिकली सिविल जज बनने के बाद आपका रास्ता वहीं पे क्या हुआ? स्टॉप। अगर आप एडीपीपी बनते हैं तो एडीपीपी बनने के बाद सबसे मेन चीज ये है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहती है, आपका लाइसेंस सस्पेंड नहीं होता। लाइसेंस सस्पेंड ना होने का फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि अगर आप नहीं चाहते इस जॉब को करना, आप मजिस्ट्रेट की तरफ आना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मजिस्ट्रेट की तरफ नहीं जाना चाहते इसी डिपार्टमेंट में आगे, क्योंकि एडीपीपी के लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है? 2 ईयर्स। डीडीपीपी के लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है? 5 ईयर्स। अगर आप 5 ईयर के बाद प्रमोशन के तौर पर ना भी करें और अपना 5 साल की आपका एक्सपीरियंस अगर पूरा हो और आप डीडीपीपी के इम्तिहान देना चाहें तो एडीपीपी होते हुए आप डीडीपीपी के इम्तिहान दे सकते हैं, एडीपीपी होते हुए आप डीपीजी का इम्तिहान दे सकते हैं। अब डीपीजी के लिए 10 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है,
तो अब वहां पर इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होती, यहां पर आप डीपीजी बन सकते हैं। डीपीजी के साथ साथ जब आपकी 10 साल की प्रैक्टिस पूरी होती है, आप एडिशनल सेशन जज का इम्तिहान दे सकते हैं। यहां पर एडिशनल सेशन जज बनने में आपको सिविल जज से तकरीबन तकरीबन 20 साल का अरसा लग जाता है। और अगर इस जगह पे आप 4-5 साल की प्रैक्टिस के साथ एडीपीपी बने, तो अगले 4-5 साल के बाद आपकी प्रैक्टिस कितनी होगी? 10 साल। तो उस 10 साल में, और आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, फिगर्स उठा लीजिए, पिछले 4-5 जो एडिशनल सेशन जज के इम्तिहान हुए हैं, मोर देन 50% जो एडिशनल सेशन जजेस हैं वो एडीपीपीज हैं। रीजन क्या है? कि उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है, उनको राइटिंग स्किल्स, सर्विस राइटिंग, प्रैक्टिकल प्रोपोजिशंस, वो उन चीजों से वाकिफ हो जाते हैं, और उसके बाद उनके लिए इम्तिहान पास। हर बार अगर 4 लोग जज लग रहे हैं तो 2 उसमें से प्रोसिक्यूटर हैं, और अगर वो 8 हैं तो 5 से 6 उसमें से कौन से आए हुए हैं? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं। इसके अलावा कि अदर अगर आपको जॉब मिलती है तो आपके पास हमेशा एडीपीपी में आपका रास्ता क्या रह जाता है? खुला रह जाता है। तो इस लिहाज से अगर हम कहें तो एडीपीपी ज्यादा बेहतर है। अभी रिसेंट इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर 169 पोस्ट एडीपीपी की जो है वो सेंक्शन हो चुकी है, और ये पोस्ट सेंक्शन होकर आगे फॉरवर्ड की जा चुकी है आपकी पीपीएससी की तरफ। इलेक्शंस की वजह से थोड़ी सी मसरूफियत थी इनकी, पीपीएससी किसी भी वक्त इन 169 पोस्ट को अनाउंस कर देगा। अब इसमें एक रुकावट है जो एक दो दिनों में क्लियर करके हम आपको मजीद बता देंगे, क्योंकि इसमें जो मौजूदा पीजी साहब है उन्होंने सिलेबस को चेंज करने का, थोड़ा सा अपडेट करने का एक अनाउंसमेंट दिया है। तो अब हो सकता है कि एडीपीपी की पोस्ट आने से पहले इसका सिलेबस अमेंड हो, बट अगर ये अमेंड होगा, एग्जिस्टिंग ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ एडिशन होगा, तो एग्जिस्टिंग को अगर आप कहेंगे कि जब अमेंड होगा तो फिर हम सोचेंगे, तो मे भी वहां पर सोचने का टाइम ना हो। एग्जिस्टिंग अमेंड नहीं होगा, इसमें एडिशन के चांसेस हैं। कुछ केस लॉज वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं, कुछ लोकल एंड स्पेशल लॉज जो क्रिमिनल है वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं, बट उससे हटकर जो ओवरऑल सिलेबस अभी इसका चल रहा है वो ऐसे कैसा, 90% चांसेस है कि वो ऐसे कैसा रहेगा। तो आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। एडीपीपी के साथ डीडीपीपी और डीपीजी, ये तमाम पोस्ट सेंक्शन हो चुकी हैं, और ये कुछ ही दिनों में ये पोस्ट जो है वो अनाउंस कर दी जाएंगी। इसके हवाले से एक्सपीरियंस 2 साल रिक्वायर्ड है। पेपर्स में क्या है, इसकी तैयारी को अगर आप कंपैरिजन करें सिविल जज की तैयारी के साथ, तो मैं ये कह सकता हूं कि एडीपीपी की तैयारी सिविल जज की तैयारी का 30% है। मींस जितनी एफर्ट आपको सिविल जज के लिए करनी है, आप उससे हाफ से भी कम एफर्ट करें तो आप एडीपीपी का इम्तिहान पास कर सकते हैं। इसका जो करंट पैटर्न चल रहा है उसमें एक पेपर है आपका क्रिमिनल लॉ 1 का। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और क्लियर करूं, बेरेक से ज्यादा नोट्स हेल्पफुल हैं। सीजे के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेरेक हेल्पफुल है, लेकिन यहां पर बेरेक से ज्यादा क्या चीज हेल्पफुल है आपके लिए? नोट्स। रीजन, इसके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स मैं आपसे अभी डिस्कस कर देता हूं। इसका जो पेपर होगा सिविल, इसमें नहीं होगा क्रिमिनल लॉ 1, उसके बाद इसमें क्रिमिनल लॉ 2 का पेपर होगा, और क्रिमिनल लॉ 3 का पेपर होगा इसमें, और उसके बाद जो इसका इंग्लिश का पोर्शन है वो सीजे के 50% से भी लेस है। इंग्लिश के इसमें 4th पेपर बन रहा हूं। ये आपका इसका सिलेबस है, जिसके हवाले से सबसे पहले जो पेपर 1 है उसके अंदर आपका सीआरपीसी का कुछ पोर्शन, सीआरपीसी का कौन सा पोर्शन इसमें इन्वॉल्व है? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, ज्यूरिसडिक्शन, ट्रायल। सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन वाला पोर्शन आएगा इसमें 177 से ऑनवर्ड, बल्कि अगर हम इसको तरतीब में लिखें तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर जो इसका 14 है वो इसमें आ जाता है, फिर ज्यूरिसडिक्शन का चैप्टर 15 है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा जजमेंट वाला एक चैप्टर हमारा है सीआरपीसी के अंदर, वो चैप्टर इसके अंदर आ जाएगा। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोसिक्यूशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग। ये प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग क्या चीज है? आपने पीपीसी पढ़ी है जनाब सब लोगों ने?
पीपीसी के अंदर आपने ऑफेंसेस की पनिशमेंट पढ़ी है, क्या वो वेग है या बिल्कुल डेफिनेट और क्लियर है? सारी वेग। वेग का मतलब क्या है बुक में? एक्सटेंड्स टू 14 ईयर, एक्सटेंड्स टू 10 ईयर। कोई पता नहीं कि 10 साल में कितनी, एक दिन, एक महीना, कितनी सजा, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो आपकी सजाएं हैं वो कैसी है, वो मे एक्सटेंड टू है। अब जब वो सारी सजाएं आपकी मे एक्सटेंड टू है, तो वहां पर ये चीज क्लियर नहीं होती कि वो एक्सटेंड टू कितना अरसा है और कितना अरसा नहीं है। तो जो आपके प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग है, वो ये गाइड करते हैं कोर्ट को कि आपने किसी भी ऑफेंस में कब उसको 10 साल वाली सजा में 1 साल की सजा देनी है, कब 3 साल की सजा देनी है, कब 5 साल और कब 10 साल की सजा देनी है। इसके साथ चार्जिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं जो बेसिकली ये चीजें डिफाइन करते हैं कि किस तरह आपने उसको लेकर चलना है। उसके बाद जनाब, आपके कुछ जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से इसमें मामलात है वो इसके आएंगे। जो थर्ड टॉपिक है वो प्रोसिक्यूशन के हवाले से है, कुछ इसमें कुछ रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, डिपार्टमेंटल रूल्स वगैरह। उसके बाद टाइप ऑफ पुलिस रिपोर्ट, टाइप ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स हैं जनाब, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और फिर अपील्स एंड रिविजन, ये सीआरपीसी का टॉपिक आ जाएगा अगेन, अपील्स एंड रिविजन। यहाँ पर भी FIR के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारी 155 की रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आती हैं वो। फिर विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, पंजाब का, बातें नहीं करेंगे बेटा। तो पुलिस रिपोर्ट नहीं था आपने? बेटा बातें नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पुलिस रिपोर्ट लिखा है मैंने, 4 पे पुलिस रिपोर्ट लिखा है, 5 मैंने अपील एंड रिविजन लिखा है, 6 पे लिखा है विटनेस प्रोटेक्शन, 7 में आ जाएगा आपका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, थोड़ा सा पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि ये जो ये एक सेपरेट आपका लॉ मौजूद है यहाँ पर, ये जो ज्यादातर पोर्शन था ये कहाँ से आया था आपका, सीआरपीसी का। कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन के हवाले से इसमें आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली वो डिस्कस किए जाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपके जो इसमें फंडामेंटल राइट्स वो डिस्कस किए जाएंगे। फिर 30 से 40 आर्टिकल, उसके बाद रिट ज्यूरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर कुछ रिट्स हैं, 22A, 22B, 561A, 491, उन रिट्स के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी रिट्स यहाँ पे है। फिर प्रोबेशन लॉस, प्रोबेशन एक्ट है बेसिकली एक हमारे पास, वो पढ़ेंगे प्रोबेशन लॉ की सूरत में। और उसके बाद लॉ रिलेटेड टू जुवेनाइल में हमारे पास JJSA, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 आ जाता है। और फिर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स है जो ऊपर जितनी भी चीजें पड़ी इसके साथ। तो अगर मैं आपको बिल्कुल इसका आसान तरीन हल बताऊं, अगर आप इस पोर्शन को बेहतरीन तरीके से कर लें अलॉन्ग विद द JJSA और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, आप ये तीन चीजें इस पेपर से करेंगे तो आपका जो पेपर है वो 80% यहां से आना है। तो जो पासिंग मार्क्स और जो आपको 100% डेफिनेट तैयारी की तरफ लेकर जाएंगे वो तीन पोर्शन है। अगर आप इसके पास पेपर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पास पेपर में यहां से, यहां से और यहां से आपका पेपर काफी हद तक कवर हो जाता है। उसके बाद पेपर टू आपका आ जाएगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये वही जब आपने LLB पार्ट वन में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, जिसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, हमने एक्टस रिया और मेंस रिया इनके बारे में पढ़ना है कि ये मेंस रिया क्या है, ये एक्टस रिया क्या है, उसके बाद इंटेंशन क्या होती है, सारा एलिमेंट इसमें कवर हो जाएंगे। पीपीसी की जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर 4 वो इसका हिस्सा है। उसके बाद ऑफेंसेस इन पीपीसी एंड ATA। अब जब आप बात करते हैं ना ऑफेंसेस इन बीपीसी एंड ATA, तो अगर किसी के जहन में सिर्फ एक टॉपिक, ओ भाई पूरी पीपीसी इसके अंदर है, क्योंकि पीपीसी में है ही क्या, सारे के सारे ऑफेंसेस। हाँ ATA का एक सेक्शन है 6 और 7, साथ कुछ दो तीन सेक्शन और मिल जाएंगे। अदरवाइज पीपीसी के ऑफेंसेस का मतलब है पूरी पीपीसी आपने करनी है। उसके बाद चार्जिंग स्टैंडर्ड्स, चार्जिंग आपके स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे।
चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के बाद साइबर क्राइम ऑफेंसेस, ये भी पूरा एक्ट है हमारे पास साइबर क्राइम ऑफेंसेस के नाम से। और लास्ट इसका जो इस पेपर का टॉपिक होगा वो आपका होगा जनाब नारकोटिक्स ऑफेंसेस और प्रोबेशन ऑफ हुदूद, शराब की हद तक नारकोटिक्स ऑफेंसेस है और प्रोहिबिशन ऑफ हुदूद है। इसके हवाले से जो रेलेवेंट आपके होंगे सवालात होंगे वो नोट्स की सूरत में हम आपको देते जाएंगे और तैयारी हम नोट्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इसमें क्रिमिनल लॉ पेपर 3 बेसिकली आप सिंपल कह ले तो ये क्या है आपका QSO, और QSO को शॉर्ट कर दिया गया। पहला टॉपिक आ गया जनाब इसका रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, दूसरा टॉपिक इसमें आएगा प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस। असल मार्कर सही सब हो गया मुझे, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस। तीसरा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस आएगा। चौथा टॉपिक आएगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बाद पांचवा आएगा प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ वाला टॉपिक आएगा। छठा होगा जी एडमिशन एंड कन्फेशन, एडमिशन एंड कन्फेशन। सातवां डाइन डिक्लेरेशन, आठवां साइंटिफिक एविडेंस, नौवां एग्जामिनेशन, और दसवां आइडेंटिफिकेशन रेट। टोटल 10 टॉपिक हैं जो कानून शहादत ऑर्डर यानी कि 10 सवाल आपने कानून शहादत ऑर्डर के करने हैं। और एसे प्रेसी कंप्रीहेंशन, एसे प्रेसी और कंप्रीहेंशन आपका लास्ट पेपर है। 20 नंबर का एसे होगा, 20 नंबर की कंप्रीहेंशन होगी और 10 नंबर की आपकी प्रेसी होगी। इसके लिए टोटल 10 एसे जो है वो हमने सिलेक्ट किए हैं जो आपको सीधे में भी हेल्प देंगे, इसके अलावा भी हर एग्जाम में हेल्प दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए 10 एसे हैं, प्रेसी के लिए 30 पैराग्राफ है। प्रेसी के होप्स उन्हीं में से, अगर उनमें से कोई नहीं आता तो उसका पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। कंप्रीहेंशन के हवाले से कोई भी सवाल वो डिफरेंट चेंज करके आपको दे सकते, तो इस लिहाज से देखें तो QSO आधे से भी कम रह गया। इंग्लिश में कोई पेयर ऑफ वर्ड्स एडियम्स कोई चीज नहीं है। ऑन द अदर साइड सीआरपीसी का सिलेक्टेड पोर्शन आ गया, बीपीसी पूरी है क्योंकि ऑफेंसेस इन बीपीसी की जब उसने बात की तो पीपीसी उसने पूरी कर दी। पीपीसी का अगर कोई पोर्शन उसने छोड़ दिया तो शुरू वाला डेफिनेशन क्लास वगैरह निकाल दिया, जनरल एक्सेप्शन उसने वैसे ऐड किया। जनरल एक्सेप्शन से आगे सारे क्या है 109 से ऑनवर्ड सारे क्या है ऑफेंसेस है, तो सारे के सारे आपके उसमें ऑफेंसेस ऐड हो जाते हैं। और पेपर वन में सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन और JJSA का कुछ पोर्शन, तो इसमें अगर आप मेनली पीपीसी QSO सीआरपीसी इसको सही ग्रिप अगर आप कर लें तो आपका ये पेपर समझ लीजिए कि 70 से 80% वैसे ही पास हो जाएगा। अगर आप ये वाले 3 मेन सब्जेक्ट कर लें, क्योंकि इस पेपर के अंदर पेपर जो वन हो गई किसके ऊपर बेस कर रहा होगा सीए। और समटाइम्स ऐसा भी मैं आपको पेपर दिखा सकता हूँ कि जिसमें पूरा पेपर आई कहाँ से होगा, ये सीआरपीसी से आया होगा, वो आपका पीपीसी से, वो आपका क्यूएसओ से। और अगर भी सवाल होंगे तो 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 5 से 6 सवाल इन मेजर सब्जेक्ट्स के होंगे और बाकी 3 से 4 सवाल माइनर के होंगे, और अटेम्प्ट एनी 5। इट मींस कि अगर आप खुद को राइट लेफ्ट ले जाने की बजाय इस पे भी फोकस कर दें तब भी ठीक है, लेकिन JJSA है ही एक सवाल तो हम इसको क्यों छोड़ दें। प्रोबेशन का भी एक सवाल बनता है तो हम इसको क्यों छोड़ दें। तो हम इनको सबको लेकर चलेंगे, कोशिश करेंगे इनका जो एक एक सवाल बनता है वो एक एक सवाल ही लेकर हम इसको सवाल वाइज लेकर चलेंगे। टॉपिक वाइज हम इसको जनरल बेयर एक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसका अगले दिन आपका क्या होगा, सिंपल टेस्ट होगा। अभी हम जो करेंटली स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका क्रिमिनल लॉ,
थ्री, इसके नोट्स मौजूद हैं और इसके नोट्स सारे के सारे कल इंशाल्लाह हार्ड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद जो ये ऐसे हमने सिलेक्ट किए हैं तो ऑलमोस्ट 5 ऐसे, ये भी हम कल दे देंगे ताकि जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारे पास मटेरियल पूरा हो जाए। और उसके बाद क्रिमिनल लॉ 2 के हवाले से जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में लेकर चलेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, इसके पहले 4 से 5 टॉपिक्स हैं तो वो नोट्स की जरूरत में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो होप सो, अब इलेक्शन क्योंकि हो चुका है 10-15 दिनों में उसका जो प्रोसेस है बाकी वो भी कंप्लीट हो जाना है, तो उसके बाद किसी भी वक्त ये जो पोस्ट है ये अनाउंस कर दी जाएगी। और ये भी पॉसिबल है कि जिस तरह सिविल जज में होता है कि अचानक पेपर, क्योंकि ये बहुत अरसे शेड्यूल चलते आ रहे हैं, पेपर इसके बहुत अरसे से प्लान नहीं हुए, तो इस तरह अचानक ही ये पेपर हो सकते हैं। तो आपको हर वक्त इसके लिए भी क्या रहना है, तैयार रहना है अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके। और अगर आप सीजे एस्पिरेंट हैं तो मेरे ख्याल में जब आप सीएलपीसी पीपीसी और पीओएसओ कर लेते हैं तो आप समझ लें कि 80% आपने एडीपीपी की तैयारी कर ली, सिर्फ चंद रिकॉर्ड्स में ही आपके जैसे भी आ जाता है उसके अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है तो आपकी काफी ज्यादा तैयारी किस चीज से हो जाती है, वो आपकी सिविल जज से इसकी तैयारी हो जाती है। अब कुछ सवाल अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। जी जनाब, तो इसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी है। इसमें 25-25 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अच्छा इसके हवाले